दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय द रोज ऑर्किड वर्ल्ड स्कूल तारूवाला पांवटा साहिब। पांवटा साहिब में माँ यमुना हॉकी क्लब द्वारा लड़के लड़कियों की चौथी उत्तर भारत हॉकी प्रतियोगिता आरंभ की गई। ये प्रतियोगिता 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चलेगी व इस प्रतियोगिता में उत्तर भारत से लड़के लड़कियों की कुल 20 टीमें भाग ले रही हैं। हर रोज 7 मैच खेले जाएंगे व सारे मैच नॉकआउट तरीके से होंगे। जीतने वाली लड़कों की टीम को 41,000 रुपये व ट्रॉफी दी जाएगी और उप विजेता टीम को 21,000 रुपये और ट्रॉफी दी जाएगी। वहीं लड़कियों की विजेता टीम को 31,000 रुपये व ट्रॉफी और उप विजेता टीम को 11,000 रुपये व ट्रॉफी दी जाएगी। और हमारी टेक्निकल टेबल की पूरी टीम माँ यमुना हॉकी क्लब के प्रधान महासचिव श्री साहिल जी, नॉर्वे जी, राजन मेहता जी, अभिषेक जी, गौरव ठाकुर जी, अंतर्राष्ट्रीय बॉल फेंक के भी नहीं जाएगी ना फिर ढंग से। अच्छा नहीं दिखेगी, उससे नहीं दिखेगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। द रोज ऑर्किड वर्ल्ड स्कूल तारूवाला पांवटा साहिब ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम समय में बड़ा आयाम स्थापित किया है। आगामी सत्र से स्कूल उच्च शिक्षित एवं अनुभवी डायरेक्टर एकेडमिक्स अंजू अरोड़ा के कुशल मार्गदर्शन से नया मुकाम हासिल करेगा। निदेशक एकेडमिक्स अंजू अरोड़ा ने शिक्षा जगत में कई उपलब्धियां हासिल की है। स्कूल के उच्च शिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों को शिक्षा के साथ साथ समाज में प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा पारंपरिक, आधुनिक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कराटे, योगा व विभिन्न खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। आगामी सत्र 2021-2022 के लिए नर्सरी से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए दाखिला शुरू हो गया है। स्कूल के चेयरमैन भूषण शर्मा व निदेशक ललित शर्मा के शिक्षा के प्रति लगन, समर्पण व अथक प्रयासों की बदौलत स्कूल ने बहुत कम समय में कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया। डायरेक्टर एकेडमिक्स अंजू अरोड़ा ने बताया कि भविष्य में भी प्रबंधन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। We plan to empower learners in our care with 21st century skills with a strong focus on values. Starting with basic 3 R's, that is reading, writing and arithmetic, we plan to focus on 4 C's as well, which is communication, creativity, critical thinking and collaboration, so important to survive in 21st century.